आज का हमारा टॉपिक है बेटा एवरेज पावर ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि अगर हमारा जो सर्किट है वो एक प्योर कैपेसिटिव हो जाए तो तब एवरेज पावर क्या होगी। तो हमें पता है कि बेटा जो पावर एवरेज होती है वो हमें इंटीग्रेशन पीडीटी अपॉन इंटीग्रेशन डीटी, जहां पे अब की बार जो कैपेसिटिव सर्किट होगा उसमें ईएमएफ कितना होगा बेटा आपका, ईएमएफ तो यही रहता है लेकिन अब की बार करंट का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा बेटा आपका साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ये अंतर बनता है। जैसे इंडक्टिव सर्किट में माइनस पाई बाय टू हो गया था, यहाँ पे कैपेसिटिव में अब की बार क्या होगा बेटा आपका करंट प्लस पाई बाय टू हो जाएगा। तो जैसे मैं ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करूंगा तो जीरो से टू पाई अपॉन ओमेगा पी बराबर ईआई होता है आपका, तो रखिए ई नोट साइन ओमेगा टी हो जाएगा इंटू आई नोट साइन पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी, भी मैं इसको लिख सकता हूं आपको, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए ये कितना हो जाएगा बेटा आपका टू पाई अपॉन ओमेगा, ये ऊपर जाएगा ओमेगा अपॉन टू पाई, ये ई नोट आई नोट भी मैं बाहर ले लेता हूं, इसको सही से लिखें तो साइन ओमेगा टी हो गया, और आप जानते हैं साइन पाई बाय टू प्लस थीटा क्या होता है बेटा आपका कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोस ओमेगा टी डीटी। अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड कर दिया, तो ये ओमेगा ई नोट आई नोट अपॉन टू टू जा ये फोर पाई, और यहां पे अगर आप लोग देखें तो ये बन जाएगा बेटा आपका टू साइन ए कोस ए, तो ये फॉर्मूला होता है आपका साइन टू ए का, ये भी आप जानते हैं, ये फिर से एज इट इज, और जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा साइन को तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आप जानते हैं बेटा, माइनस कोस ये टू ओमेगा टी और अपॉन में टू ओमेगा, लिमिट कहां से कहां जीरो से टू पाई अपॉन, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए ओमेगा से ये ओमेगा कट जाएगा, ई नोट आई नोट अपॉन ये टू भी बार ले लीजिए ये एट पाई हो जाएगा बेटा, लिमिट रखिए कोस टू ओमेगा टी के प्लेस पर पहले क्या आएगा टू पाई अपॉन ओमेगा माइनस कोस जीरो, ओमेगा से ओमेगा कटेगा, तो जैसे ही ओमेगा से ओमेगा ये कटेगा तो आप देख सकते हैं यहां पे कि ये बचेगा बेटा कोस फोर पाई, ये माइनस ई नोट आई नोट अपॉन एट पाई, और यहां पे क्या बचेगा आपका कोस फोर पाई माइनस कोस जीरो, ठीक है। अब कोस फोर पाई की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है बेटा वन, कोस जीरो भी क्या होता है वन, तो जैसे ही ये कटेगा यहां पे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपकी, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो एवरेज पावर होती है किसकी बेटा आपकी प्योर कैपेसिटिव सर्किट की, वो भी कितनी होती है आपकी, वो जीरो होती है, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन आपने पढ़े हैं बेटा इंडक्टिव की एवरेज पावर और कैपेसिटिव की एवरेज पावर, इसको आपको ध्यान रखना है हमेशा कि ये जीरो होती है, ठीक है।